सिवनी में कृषि सुधार कानून के विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज लोगों ने संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से करवाए जाने की गुहार राष्ट्रपति से की है। आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों की ओर से दिए गए आवेदन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी तीन काले कानून के विरुद्ध किसानों के चल रहे आंदोलन और सरकार द्वारा किए जा रहे रवैये से भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार बार बार विवादास्पद कानून बना रही है, सारा समय कानून के क्रियान्वयन और सरकार की हठ धर्मिता की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि संविधान की व्याख्या इस कारण से की जाना आवश्यक है। आवेदन देने वालों ने कहा कि विचारणीय प्रश्न यह है कि संसद में बहुमत मिल जाने पर जनता के क्या अधिकार होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश में आपातकाल लागू हो गया है और जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। इस मौके पर अधिवक्ता अहमद सईद कुरैशी सहित आम आदमी पार्टी के राजेश पटेल, रघुवीर सिंह सनोडिया सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, किसान आंदोलन एवं सरकार के रवैये से भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार बार बार विवादास्पद कानून बनाती है, सारा समय कानून के क्रियान्वयन सरकार की हठधर्मी एवं आंदोलन की चपेट में चल रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान में कार्य चल रहा है, इससे देश 100 साल पीछे हो गया है। संविधान की व्याख्या इस कारण से किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि संसद में बहुमत मिल जाने पर जनता के क्या अधिकार होंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब ताकतवर लोग, जिनमें अपराधी भी होंगे, दौलतमंद भी होंगे और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग होंगे, जनता के अधिकारों का हनन कर लेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर ने कहा है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज है। उन्होंने संविधान सौंपते समय कहा था कि मैंने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, परंतु इसका क्रियान्वयन करने वालों की नियत पर निर्भर है कि वह किस प्रकार से जनता पर इसका प्रयोग करेंगे। महामहिम जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश में आपातकाल लागू हो गया है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं है, जबकि भारत के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार संसद को मनमानी करने से रोकते हैं और संसद के कानून बनाने की सीमाएं निर्धारित करते हैं, परंतु संसद आज हमारी बातों को नहीं मान रही है एवं कानून बनाने के मापदंड निर्धारित करते हैं। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस ज्ञापन को जनहित याचिका मानते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय को भेजकर संविधान की व्याख्या कराई जाए कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाने पर भारतीय संविधान में जनता के किस प्रकार के अधिकार सुरक्षित होंगे, क्या संसद किसी भी प्रकार का मनमाना कानून बना सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।